क्या टाइम हो रहा है? 4 बज रहे हैं। 4 बजे भारती को 8-8 नंबर मिले। चलो मैं 5 बजे कर रहा हूँ, मेरे तो 10-10 बनते हैं। खैर एवरीबॉडी, मैं हूँ घोड़ा, मैं बहुत ही फिल्मी घोड़ा हूँ, मैं कोई ऐसा घोड़ा नहीं हूँ। मेरी नानी ने अरबाज भाई की डैडी की पिक्चर में काम किया था, धन्नो मेरी नानी थी। फिर मेरे डैडी थे, उन्होंने अमित जी के साथ काम किया, मल्ट टांगे वाला। मेरी जरा लॉन्चिंग खराब रही यार, मेरी पहली पिक्चर वीर थी, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भट्ट साहब ने बुलाया मेरे को, भट्ट साहब बोले मैं तुमको रीलॉन्च करूंगा। मैंने कहा सर इतनी मेहरबानी क्यों? कहते मैंने बड़े बड़े गधों को लॉन्च किया, तुम तो फिर भी घोड़े हो। मैंने सर को कहा सर जब बात आपकी हमारी चल रही है, बीच में राहुल क्यों ला रहे हो? फिर मैंने बोला भट्ट साहब आप मेरे को लॉन्च कर रहे, बड़ी खुशी हो रही, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, ये दवाई रखी है, क्योंकि खुजली करते रहते हैं वो। कहते दवाई खाने से खुजली दूर हो जाएगी? मैंने कहा नहीं, खुजली तो नहीं दूर होगी, पूंछ उग जाएगी आपको, हाथ फ्री रहेंगे, फिर मक्खी ऐसी भगाते रहना। खैर मैं अपने राजा के बारे में बता दूं, राजा साहब के बाद में बहुत टाइम से काम करता हूं इधर। राजा साहब जो है हमारे, मतलब इतने लड़ाकू आदमी नहीं, इतने लड़ाकू है अरबाज भाई, मतलब मैदान पे नहीं लड़ते, घर पे छोटी छोटी चीज, 2 मिनट चाय लेट आ गई बीबी से लड़ ली, बीएमसी का पानी लेट आया बीएमसी वालों से लड़ ली, बीएमसी वालों को तो बहुत मारा, लेकिन बीएमसी वाले बीबी थोड़ी है, बीएमसी वालों ने इनको बहुत मारा। खैर 26 साल की उम्र में 70 साल के दिखते हैं ये, क्योंकि 70-70 रानी है इनकी। अब मैं सच्ची बताता हूँ, कितने भी काजू बादाम खा लो कमजोरी तो आ ही जाती है बॉस। एक नंबर के डरपोक हमारे राजा साहब, ऐसे फट्टू मैं बता नहीं सकता। अभी जंग छिड़ने वाली है, मेरे को अभी फोन आया था, अभी मैं बताने के लिए देखो क्या हालत होती है उनकी। राजा साहब आते ही हिनहिनाना शुरू कर दिया तूने। राजा साहब आपको बताया कितनी प्रॉब्लम हो रही, दुश्मन सेना आक्रमण करने वाले हमारे ऊपर, सेना यहां पर आ रही है। तो जाओ उनको बोलो हम घर पे नहीं है। क्या उधार पैसे लिए थे क्या उन लोगों ने? जो घर पे नहीं बोलूंगा मैं, अरे वाट लगा डालेंगे वो लोग। कुछ तो सोचो कैसा राजा बना हुआ है यहां पर। तो ठीक है आज फिर बुलाओ उनको, हम लड़ने के मूड में हैं। लड़ने नहीं, मरने के मूड में, बोला फटने के मूड में आएंगे ना, फाड़ के रख देंगे। मैं तो बोलता हूँ टाइम देख के भाग चलते इधर से। राजा साहब, राजा साहब सुनो, माफी मांगो, खत्म करो, बकवास बंद करो, माफी। और ये राजा जब तक मेरे दम में दम है मैं पिटूंगा, जब मैं मरने लगूंगा तो माफी मांग लूंगा। और तुम शायद जानते नहीं, मेरे दादाजी 15-15 सैनिकों से अकेले लड़ते थे। अच्छा, लड़ाई में ना मारा भी जाता है, सिर्फ पिट के आते थे वो 15-15 सैनिकों से। अब तूने अगर मेरे भेद खोलने की कोशिश की। सुनो एक बात बता यार। बोलिए। कितने सैनिक है उनके पास? 2 लाख। कोई बात नहीं, हमारे पास कितने? 2000। बार बार डराना तुम्हारे, डराना तुम्हारे। 2000 है? हाँ। कोई बात नहीं, 2000 बहुत होते हैं, मेरा एक एक सैनिक 10-10 के बराबर है। बिल्कुल, खा खा के ऐसे सांड लोगे ना, 10-10 के बराबर ही है। मेरे को कोई लेना नहीं, मैं आपके साथ लड़ाई पे नहीं जा सकता हूँ आज। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आज शाम को मेरी शादी होने वाली है। सुनो, तू मेरे साथ चलेगा और मैं अकेला नहीं लड़ूंगा, तू मेरे साथ जाएगा। अरे कोई दूसरा घोड़ा ले जाओ। कहाँ ले जाऊँ, कोई मेरे पास घोड़ा है ही नहीं तेरे सिवा। तभी तो बोला शादी कर लेता हूँ, 15-15 दिन में नए नए घोड़े दूंगा आपको मैं। ये क्या कर रहे हो? मैं अपनी तलवार तेज कर रहा हूँ। तलवार तेज मत करो, अपनी सलवार चेंज करो आप। पिछली बार डायपर पहनना भूल गए थे, मालूम है कितनी प्रॉब्लम हुई थी? सारे सैनिक आपके इधर आपस में लड़ रहे थे और आप साइड में बैठ के तमाशा छोड़ रहे थे, कभी इधर छोड़ते थे, कभी इधर छोड़ते थे, कभी इधर। बकवास मत कर, आज मैं पूरा गुस्से में हूँ, आज मैं उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ईंट से ईंट बजाओगे? याद है पिछली बार मैंने उनको क्या कहा था? मैंने कहा था जब दुश्मन घेर लेंगे ना तो एक सीटी बजा देना, वो तो बजा नहीं पाया, ईंट से ईंट बजाएगा ये। सुना मेरी बात, वो मेरी वाइफ का कसूर है, जब मैं जंग लड़ने गया उसने मुझे प्रेशर कुकर नहीं दिया, मैं सीटी कैसे बजाता? मेरे मुंह से सीटी बजानी नहीं होती। मुंह से नहीं बजाते, तमाशे जो छोड़ते रहते हो वहीं से बजा देते एक आध सीटी। तू बकवास कर रहा है बार बार।
हमारा शो 9 बजे आता है, रात को रोटी खानी होती, तू तमाशे की बात कर रहा है बार बार। महाराज दुश्मन सैनिक आ रहे हैं। बाहर निकल, बाहर निकल आज साले कायर, बाहर निकल। तेरे को आज मैं तेरी गर्दन कलम कर दूंगा, नहीं तो ऐसे तलवार तेरे पेट में घुसड़ूंगा, साले सेप्टिक से मरेगा तू। सच बोल, बाहर निकल। बाहर निकल, बाहर निकल। सोती निकल जाएगी। किस रानी के पल्लू में छुप कर बैठा है? ये क्या बकवास कर रहा है? रानी का पल्लू, रानी का पल्लू, कहीं मुझे आदित्य को नहीं समझ रहा है? हमने क्या लेना देना रानी से? हमें तो दीपिका पसंद है। अरे आपकी रानी की बात कर रहा है वो महाराज, क्या बकवास कर रहे हो आप? मेरी रानी की? हाँ। मुझे लगता है इस राजा ने ना शराब पी हुई है और मैं आज नहीं लड़ना, मैंने ना नाम लिया हुआ है, मैं वेजिटेरियन, इसको बोलो कल लड़ेंगे यार। ये पागल हो गया आज। बाहर निकाल। साफ बोल, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे घोड़ा हूं मैं, साफ क्या बोलूंगा। अच्छा महाराज की तबीयत थोड़ी खराब है तो ये जंग थोड़ा कल खेल सकते हैं। अच्छा, कल तबीयत खराब हुई तो परसों खेल लेंगे। अच्छा परसों खराब हुई तो तरसों खेल लेंगे। अच्छा तरसों हुई तो बाद में खेल लेंगे। अच्छा बाद में हुई तो तू कैसा महाराज है, बहाने बना रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? बहाने समझ में नहीं आते? बोला महाराज को 107 पुकारे, जगह जगह तमाशा छोड़ रहे, वो तमाशा खेल रहे। तमाशा? हाँ। क्या होता तमाशा? दिखाऊं? सूंघ के मर जाएगा साले, छोड़े ने। तमाशा वो जब घबराहट होती है तमाशा निकल जाता है। उसको बाहर निकाल, बाहर निकाल। लगता है गुस्सा आ गया ना, मैं तेरे ऐसे जी करता पांव पकड़ के ना माफी मांगू। लगता तू आज ना मुझे मार के छोड़ेगा। बाहर तू ना, इसने मेरी इसने मेरी बीवी को छेड़ा है, इसने पिछले साल इसने मेरी बीवी को छेड़ा है। कभी छेड़ा है? पिछले साल। तो तू इतना बड़ा तू वहां में मरे कौवे का पंख पिछले साल छेड़ा, आज इसको मारने के लिए अकल नहीं आती तेरे कर रहा है पागल। पिछले साल मैं वेट करता रहा साला, अब आएगा दोबारा छेड़ने, आया नहीं। मैं तो कब से साला नंगे हाथ तिरंगे हाथ पकड़ने को फिर रहा हूं। तू साले 70-70 बीबियां चैन नहीं तेरे को? मैं घोड़ा होकर 10-10 नहीं संभाल पा रहा हूं। 70-70 बीबियां इसकी बीबी छेड़ रहा है तू। अब इसने मेरी बीवी को छेड़ा, बीवी को छेड़ा इसने मेरी। तेरी बीवी को मैंने छेड़ा है तो अपने जीजा के दरबार क्यों साफ कर रहा है बार बार तू है? अब तू मेरे तीर से बच, अब तू मेरे तीर से बच। अच्छा साले अगर मेरे को बचाना ही है तो मेरे को मारने क्यों आया यार, ये पागल है। बकवास बंद कर, आज मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। अच्छा यस ठीक है, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मुझे मारने से पहले तुझे मेरे घोड़े की लाश से गुजरना होगा। आ। ये? मेरी लाश से क्यों? मेरी शादी होने वाली, बोला ना आज शाम को। I'm sorry. कमाल है महाराज, क्या कर रहे हो, बहादुरी से लड़ो। और तू मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, बहादुरी कभी कहता है इससे लड़ो, कभी कहता है बहादुरी से लड़ो। बहादुरी अब बचन हो चुकी है, हम उनकी इज्जत करते हैं। अरे यार मेरा मतलब है बहादुर महाराज हो, कमाल करते हो, लड़ो। 15 मिनट में मैं लाश लेने आऊंगा तुम्हारी। है मेरे को इतना कायर समझे? बंद आधे घंटे तक आओ, इतना मैं निकाल लेता हूँ टाइम। आओ भाई, इससे लड़ेगा तू? तीर है और है, तीर और यही है। मैं ये नहीं, अपनी अपनी पसंद होती है, जिसने खाना है वो अपना देखेगा। ये ठीक है, अनार के जूस वाला। किसी को मारा तो नहीं, जूठा तो नहीं ना? अब इधर आ जा, एक मिनट। अब लड़ना पहले थोड़ा फर्श साफ करो, साफ करो। महाराज बस एक मिनट, अब तू लड़, पहले लड़ तू। एक बार फिर साफ कर कर। अबे बस महाराज, इसको थका थका के मार दो। आप भी अपने कर्तव्य दिखाइए। ठीक है, अपने कर्तव्य दिखाइए महाराज।
महाराज तुम क्या समझते हो मैं गिर गया हूं, मैं घुटने टेक रहा हूं। कितना बस इसमें कोई लाफ्टर नहीं आता बेटे मारने में। हम यही बताना चाहते हैं, ये खो एक जानवर मर गया, ये मैसेज है जानवरों को मत मारो। और वैसे भी जब मेन हीरो ही मर गया है तो जूनियर कलाकार अब क्या करेंगे, वही करेंगे जो करना चाहिए, करिए सर, जो देना है दे दो।